हाँ जी नमस्कार, राधे राधे। हर हर महादेव, मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा कुंडली के 12th हाउस पे चल रही है और आज हम चर्चा करेंगे 7th हाउस, दाम्पत्य का घर बोलते हैं इसको, व्यवसाय का घर बोलते हैं। जो युग्म व्यापार होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। लग्न का सप्तम होने से व्यक्ति का व्यक्तित्व की पूर्णता का घर है ये। आपके भाग्य से एकादश होने से ये आपके भाग्य का लाभ है, पूर्व जन्म में संचित शुभ कर्मों का लाभ है। दाम्पत्य जीवन या 7th हाउस, या ज्योतिष में विवाह के लिए देखा जाता है, व्यक्ति के अंदर कितनी कामेच्छा होगी उसके लिए देखा जाता है, दाम्पत्य सुख के लिए देखा जाता है, साथ में विदेश की यात्रा यहीं से होती है। खष्टम से द्वितीय होने से रोग के उपचार का घर है ये। लोकप्रियता जहां चतुर्थ भाव से देखी जाती है, वहीं 7th हाउस भी आपके लोकप्रियता को दर्शाता है। पुंसत्व बल का ये घर है, इंपोर्टेंसी का ये घर है, पुरुषत्व को भी दिखाता है और नपुंसकता को भी दिखाता है। यौन रोगों का घर है 7th हाउस, यौन रोग आपके यहीं से देखे जाएंगे। काम संवेग का घर है और चरित्र का घर है। चरित्र जो आपका देखा जाएगा आपके लग्न से, चतुर्थ से और सप्तम, तीनों के मिला के आपके चरित्र को देखा जाएगा। साथ में व्यापार का है, वाणिज्य का है और चोरी के बाद चोरों के रंग रूप के आकार का ये घर है। तो मुख्यतः ये आपके जीवन में जीवन साथी का घर है। अब जीवन साथी का चरित्र, जीवन साथी का रंग, जीवन साथी का रूप, जीवन साथी का व्यवहार, जीवन साथी की संख्या, यद्यपि वर्तमान में संख्या का मतलब रहा नहीं, विवाह कब, कहाँ, किस दिशा में, किस उम्र में होगा, ये सारी चीज़ें 7th हाउस से विचारणी है, सप्तम भाव से विचार की जाती हैं। क्योंकि भाग्य का लाभ है ये, हम पूर्व जन्म के अनुसार ही जीवन साथी प्राप्त करते हैं और हमारे सनातन परंपरा में हिंदू धर्मावलंबी हम ये मानते हैं कि विवाह एक जन्म का बंधन नहीं है, 7 जन्मों का बंधन है। इसीलिए हमारे यहाँ तलाक और डिवोर्स जैसे शब्द कहीं है ही नहीं। ये शब्द हमें पाश्चात्य संस्कृत से मिले हुए हैं। हम लोग तो 7 जन्मों की बातों को स्वीकार करते हैं और उसी धारणा पे चलते हैं और इसको कुंडली भी बताती है। इसलिए संख्या जो है नगण्य है। यहाँ पे जो भी ग्रह जैसे होंगे आपके जीवन साथी को वैसा व्यक्तित्व प्रदान करेंगे, या आप कह लीजिए पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्म के अनुसार आपको जीवन साथी मिलेंगे। आप और आपका व्यक्तित्व अगर पूर्ण होना है तो एक जैसे ही मिलके पूर्ण नहीं हो सकते। एक जैसे ही आकाश आकाश है तो क्या पूर्ण है जब तक वो धरा से ना मिले, अग्नि अग्नि ही है तो क्या पूर्ण है जब तक वो जल से ना मिले। इसलिए इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने हमारे जस्ट अपोजिट हमारा जीवन साथी बनाया है। जैसे आपकी अगर मेष लग्न की कुंडली होगी तो आपकी जीवन संगिनी की कुंडली, जीवन साथी की कुंडली तुला लग्न की होगी। आप जैसे वृषभ में जाएंगे वैसे आपका जीवन साथी वृश्चिक में चला जाएगा। जैसे आप मिथुन में जाएंगे आपको धनु लग्न का जीवन साथी मिलेगा। आपके लग्न का लाड चंद्रमा होगा, कर्क होगा, लेकिन आपके 7th हाउस माने जीवन साथी का लाड जो होगा वो शनि होगा। आपके जीवन का जो स्वामी होगा वो सूर्य होगा, तो पत्नी के जीवन का स्वामी शनि हो जाएगा। जैसे आपके स्वामी बुध होंगे वैसे वहाँ पे 7th हाउस के स्वामी गुरु हो जाएंगे। तो परमात्मा ने सिस्टम ही ऐसे बनाया है पूर्ण होने के लिए। आप ही आप मिले तो फिर क्या मिले, फिर पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जो आपके अंदर कमी है, जो आपके अंदर नहीं है, उससे जब आप मिलेंगे तब आप पूर्णता को प्राप्त होंगे। इसीलिए लग्न से 7th हाउस व्यक्तित्व की पूर्णता का है। जीवन संगनी हमारे व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करती है, इसीलिए वो भिन्न होती है। हमारे यहाँ जो कुंडली मिलान होता है, कुंडली मिलान के 36 गुण जो मिलाए जाते हैं वो लग्नों को देखते हुए, आपकी ग्रह मैत्री मिल रही है,
और राशि मिल रही है, भकूट मिल रहे हैं, तो आप लोग कितना कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे। सही ढंग से जीवन को चलाने के लिए बनाया जाता है। तो सेवेंथ हाउस बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? आप दुनिया जीत सकते हैं लेकिन घर में आप हार जाएंगे। आप दुनिया भर से काम करके आइए, घर में अगर आपको शांति मिलेगी तो आप बहुत उन्नत करेंगे। देखिए, ये युग तो रहा नहीं कि कबीर दास और लोही का है। कबीर जी ने कहा कि दोपहर में भरी दोपहर में लालटेन लाना देवी, देवी लालटेन लेके चली आई। या उन्होंने कहा ये दूध है पी लो, उन्होंने पानी दे के बोला दूध है, कबीर जी ने दूध मान के पी लिया। वो युग नहीं रहा। वर्तमान में सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबके अंदर का ईगो जो है फ्रंट पे आ रहा है। वर्तमान में डिवोर्स और तलाक की जो परंपरा है थोड़ी सी बढ़ी है, हर समाज में बढ़ी है। उसका एक ही मतलब है, आजकल जो हमारे जीवन संगनी जीवन साथी होते हैं वो थोड़े पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न हैं, अपने अधिकारों के लिए खुल के बात करते हैं, गलत नहीं सहते, इसलिए इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन कुंडली के चर्चा में जीवन साथी 7 जन्मों के लिए होता है, हम ऐसा मानते हैं। यहाँ पे आपके लग्न पे और सेवेंथ हाउस पे बैठे हुए ग्रह आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं और आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। चलिए आज सेवेंथ हाउस का विचार करते हैं। तो सेवेंथ हाउस पे बैठा हुआ जो भी प्लेनेट होगा वो अपने अनुसार आपको जीवन साथी ला के देगा। यहाँ का ग्रह सौम्य है तो आपका जीवन साथी भी सौम्य होगा। शुक्र, बुध, चंद्रमा, गुरु आपको पढ़े लिखे समझदार जीवन साथी देते हैं। शुक्र सेवेंथ हाउस में अपनी ही राशि तुला या वृषभ में हो तो आपको एक सुंदर जीवन साथी प्राप्त होता है। आप स्वतः सुंदर होते हैं और आपका जीवन साथी सुंदर होता है। बुध होगा तो बुध आपको आपके आयु से कम दिखने वाला जीवन साथी देगा और चंचल देगा। चंद्रमा अगर यहाँ पे स्वामी होगा तो चंद्रमा क्या करेगा, थोड़ा सा इमोशन पूर्ण भावुकता पूर्ण जीवन साथी दे देगा। तो ये शुभ ग्रह जब बैठेंगे तो आपको जीवन साथी का व्यक्तित्व बहुत शुभ होगा, बहुत मिलनसार होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सूर्य बैठेंगे, मंगल बैठेंगे, सूर्य मंगल शनि, तो यहाँ पे आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव आना शुरू हो जाएगा। सूर्य अगर स्वराशिस्त भी है तो आपका जीवन साथी स्ट्रेटेज होगा, रिजिड नेचर का होगा, वो अपना चलाने वाला होगा। आपके व्यक्तित्व में उस चीज़ की कमी है इसीलिए आपको मिल रहा है, ये रियलाइज करते रहिएगा। क्योंकि हमने जन्म लिया है मोक्ष प्राप्ति के लिए, जो हमारे अंदर कमी है जब तक वो पूर्ण नहीं होगी हम पूर्णता को प्राप्त नहीं होंगे। तो आपके अंदर जिस तत्व की कमी है उसी तत्व को पूर्ण करने के लिए आपका जीवन साथी आपके जीवन में प्रवेश किया है। इसलिए आपके अंदर सूर्य तत्व की कमी है तो आपके सिंह राशि में सूर्य बैठे हैं, जीवन साथी तेज दर्राक होगी। मंगल की कमी है, उष्णता की कमी है तो मंगल सेवेंथ हाउस में आएगा, वृश्चिक मेष में या और कहीं आएगा। तो मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु सेवेंथ हाउस पे बैठ के जीवन साथी के स्वभाव को और जीवन साथी से आपस में सामंजस्य को बिगाड़ते हैं, आपस में सामंजस्य को बिगाड़ते हैं। यहाँ पे शुभ ग्रह शुक्र, गुरु, बुध और चंद्रमा, पक्षवली चंद्रमा आपको एक खूबसूरत जीवन साथी, समझदार जीवन साथी, आपको समझने वाला जीवन साथी प्रदान करते हैं। ये ग्रह अपने अनुसार ही आपको आपके जीवन में दाम्पत्य सुख प्रदान करते हैं। अगर बुध बैठा हुआ है तो जल्दी आपका विवाह हो जाएगा, यहीं पे मंगल बैठेंगे तो थोड़ा लेट करेंगे, शनि बैठेंगे तो और लेट करेंगे, शनि के साथ राहु बैठ गए तो और भी लेट करेंगे, बढ़ती जाएगी। चलिए अब देखते हैं सेवेंथ हाउस का स्वामी सेवेंथ हाउस से लेके अपने से 12th, 6th हाउस तक में बैठेगा तो क्या क्या फल देगा। सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी अपने ही घर में है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब अगर सप्तम भाव का स्वामी अपने घर में है, रश्मि युक्त है, यहाँ पे तलाकवादी प्लेनेट भी बैठेंगे तब भी झगड़ा होगा, तलाक नहीं होगा, झगड़ा होगा, तलाक नहीं होगा। लेकिन सेवेंथ हाउस का स्वामी कहीं कमजोर होकर बैठा हुआ है तब अगर वहाँ पे तलाकवादी एक प्लेनेट भी तलाक करा देगा। अगर आप अपने घर में ही बैठे हैं तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति आपके घर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, आप पावरफुल होकर बैठे हैं, मार के भगा देंगे। उसी तरह सप्तम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में ही बैठा है, अपने राशि में बैठा हुआ है, बल लेके बैठा हुआ है, तो वहाँ पे जो भी ग्रह जाएगा उसकी वो नहीं सुनेगा, थोड़ी सी अड़चनें आएंगी लेकिन नहीं सुनेगा। आपको बढ़िया जीवन साथी मिलेगा, आपका व्यापार बढ़िया चलेगा, आप लोकप्रिय रहेंगे, इसकी दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी तो आपको लोग प्यार भी ज़्यादा करेंगे। जहाँ जीवन साथी प्यार करने वाला होगा
वहीं पे सामाजिक लोग भी आपको प्यार करेंगे, समाज से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। यहाँ का स्वामी अपने सिद्धति 8th हाउस में। अष्टम भाव दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। 7th हाउस का लाड जब भी 6, 8, 12 में जाएगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब यहाँ आपका जीवन साथी क्या होगा, थोड़ा तेज हो जाएगा, थोड़ा तेज हो जाएगा, आप स्वतः थोड़े से अच्छे नहीं रहेंगे। क्यों? 7th हाउस जब भी आपका सप्तम का स्वामी अष्टम में जाएगा तो उसकी सप्तम दृष्टि धन भाव पे होगी, तो आपके अंदर व्यक्तित्व में क्या होगा, एन केन प्रकार ने धन कमाना है, आप चीटिंग कर सकते हैं धन के लिए, आपके व्यक्तित्व में चीटिंग आ जाएगा। क्यों? धन भाव पे अष्टम में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि है। अष्टम किसका है? भ्रष्टाचार का है, चोरी का है, कहीं ना कहीं कराता है, मेज के नीचे से पैसा लेता है। जीवन साथी के सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, जीवन साथी छिड़छिड़ा हो जाता है, जीवन साथी अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। 7th हाउस का स्वामी अपने से पराक्रम नवम भाव में। अब जीवन साथी के आने के पश्चात देखिए कुंडली क्या बोल रही है, जीवन साथी जैसे आएगा वैसे आपसे पराक्रम करवाएगा, और जैसे आप पराक्रम करेंगे वैसे आपका भाग्योदय हो जाएगा। बहुत से एस्ट्रोलॉजर, बहुत से ज्योतिषी जैसे ही 7th हाउस का स्वामी नवम भाव में बैठता है तो सलाह देते हैं, मैं स्वतः सलाह देता हूँ कि इसकी शादी करा दीजिए, शादी के पश्चात इसका भविष्य बदल जाएगा, और भविष्य बदल जाता है। जैसे जीवन संगनी उसके जीवन में प्रवेश करती है तो वो ऐसे घर में बैठा रहता है, लेकिन जैसे जीवन साथी का पदार्पण होगा वो उसको फोर्स करती है, घर में कब तक बैठे रहोगे, मेहनत करो, क्योंकि सप्तमेश अपने से बैठा है थर्ड पराक्रम के घर में, तो पराक्रम करना शुरू करता है, और वहाँ पराक्रम भाव में बैठा हुआ सप्तम का स्वामी पराक्रम पे सप्तम दृष्टि देता है। कहाँ पे देता है? सप्तम दृष्टि पराक्रम पे देखता है, तो पराक्रम जग जाता है, और पराक्रम जगने से भाग्य दिखता है। देखिए आपके कुंडली में कितने भी शुभ योग हैं, आपका लाभेश बहुत अच्छा चल रहा है, आप घर में बैठे रहोगे लाभ नहीं होगा, आप पूजा पाठ करा लो, आप स्टोन पहन लो, बड़े बड़े यज्ञ करा लो, लेकिन आपको कर्म तो करना पड़ेगा। अगर आप कर्म नहीं करेंगे सोचेंगे हमारा भाग्य में बैठा हुआ लग्न का स्वामी, चलो लाभेश हमारा भाग में बैठा हुआ है, अपने आप लाभ आएगा, अपने आप लाभ नहीं आएगा, कर्म तो करना पड़ेगा। तो सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है तो आप कर्म में प्रवृत्त होंगे, इससे आपका भाग जगेगा, जीवन साथी आपको भाग्य को जगाने वाला होगा। सप्तम भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ, सप्तम का सुख है दशम, अपने से चतुर्थ जब दशम भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जीवन संगनी का प्रवेश उसके कर्म पथ को विस्तार देता है। उसके आने के पश्चात ऐसा जातक भूमि भवन के लिए प्रयासरत रहता है या प्लाट वगैरह खरीद लेता है। रीजन सप्तम दृष्टि सुख भाव पे पड़ रही है, भूमि भवन पे पड़ रही है, सप्तम दृष्टि भूमि भवन पे पड़ रही है, इसलिए ऐसा जातक जीवन साथी के जीवन में प्रवेश के पश्चात जहाँ कर्म में विस्तार होता है वहीं भूमि भवन में विस्तार होता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा योग है, आपको सरकार से सहायता मिलती है, पिता से सहायता मिलती है, ससुराल से भी सहायता आपको प्राप्त होती है। सप्तम भाव का स्वामी अपने से पंचम एकादश, बहुत अच्छा योग है। लाभ भाव में बैठा है, लाभ भाव में बैठे हुए वैसे ही सभी ग्रह मार्ग को प्रशस्त करते हैं, लेकिन सप्तम का स्वामी अपने से पंचम बैठा हुआ है और एकादश से वो नवम है, पंचम नवम का योग बनेगा। क्या बनेगा? पंचम नवम का योग बनेगा, बहुत अच्छा योग है। तो यहाँ पे आपके जीवन में जैसे ही जीवन साथी का प्रवेश होगा आपके लाभ ही लाभ मिलेगा, वो कुछ ऐसे आइडियाज आपको देंगे, कुछ ऐसे विकल्प देंगे, वहाँ पे आप अपना काम करना शुरू करेंगे, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे भी व्यक्ति के जिसकी कुंडली में है ये योग, अगर वो शादी नहीं की हो तो उनको शादी कर लेना चाहिए, इससे निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। 7th हाउस का स्वामी अपने से 6th हाउस में। अब यहाँ पे 6 खष्टम और अष्टम का योग बनेगा, खष्टम और अष्टम का बनेगा, जहाँ सप्तम से द्वादश खष्टम है वहीं द्वादश से सप्तम अष्टम बनेगा, ये योग अच्छा नहीं होता। अक्सर ऐसे लोग एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, ये लोग अक्सर एक दूसरे से दूर रहते हैं, हस्बैंड कहीं और नौकरी कर रहा है, पत्नी कहीं और रह रही है, या पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों दूर दूर रहते हैं। सप्तम भाव का स्वामी द्वादश में जाने से कहीं ना कहीं चारित्रिक दुर्बलता भी आ जाती है। अब उसका कारण भौगोलिक वातावरण हो सकता है, सामाजिक वातावरण हो सकता है, आपस में दाम्पत्य जीवन में जो कलह होती है उसका मूल कारण यही होता है। तो सप्तमेश का अपने से खष्टम द्वादश जाना जहाँ जीवन साथी के सेहत के लिए ठीक नहीं होता, वहीं जीव दाम्पत्य सुख की या दाम्पत्य में मधुरता के लिए भी अच्छा नहीं होता।
सप्तम का स्वामी लगन में, अच्छा है, सप्तम का स्वामी लगन में है, ऐसे लोग अपने जीवन संगनी को बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो गांव में कहावत है, समाज में कहावत है, अपने पत्नी को सर पे बैठा कर रखा है। ये लोग रियल में अपने पत्नी को सर पे बैठा कर रखते हैं, क्यों? सप्तम भाव को स्वामी को लगन में बैठा लिया। लगन कौन है? लगन आपका सर है। ये लोग अपने जीवन में जीवन संगनी को बहुत प्राथमिकता देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते, उसकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जहाँ यह आपके व्यक्तित्व को चमकाएगा, वहीं आपके जीवन साथी से प्रेम करेगा। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को दाम्पत्य जीवन के साथ साथ व्यापार में लाभ होता है। जैसे सप्तमेश आपका द्वादश में बैठेगा, तो जहाँ दाम्पत्य जीवन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वहीं व्यापार में भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एकादश में जहाँ आपके जीवन में लाभ होगा, वहीं व्यापार में भी आपको लाभ होगा। इस चीज़ को सदैव याद रखना है। तो लग्न में बैठा सप्तम भाव का स्वामी जहाँ आपको अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा स्नेह देगा, बहुत प्रेम देगा, वहीं आपको व्यापार में बहुत प्रेम देगा। ये लोग जीवन साथी से बहुत अटैच रखते हैं, जीवन साथी के आसपास ही घूमना चाहते हैं, प्रेम बहुत करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी अपने से अष्टम द्वितीय भाव में, ऐसे लोग अधिकांशतः आप देखिए जिसके कुंडली में योग बन रहा हो, ऐसे लोगों की जीवन साथी है तो ससुराल से दहेज में ज़्यादा धन लेके आते हैं, या वो लोग यहाँ पे आके जाप करना शुरू करते हैं, बिजनेस करना शुरू करते हैं। सप्तम का स्वामी अपने से अष्टम है किंतु धन भाव में है, अर्थात जैसे आपके जीवन में जीवन साथी का प्रवेश होगा, वो धन भाव में बैठा है तो धन ला के आपको देगा, लेकिन अपने से अष्टम होने से थोड़े से विचारों में सामंजस्य का अभाव होता है। जहाँ आपकी वाणी खराब हो जाती है, वहीं आपसी सामंजस्य का अभाव रहता है। सप्तम भाव का स्वामी अपने से नवम पराक्रम के घर में, अच्छा है, अपने से पराक्रम में है, ठीक है ना, कहाँ है? अपने से पराक्रम में है। और तो यहाँ पे जैसे आपके जीवन संगनी का प्रवेश होगा, आप पराक्रम करना शुरू करेंगे। तृतीय भाव में बैठा हुआ सप्तमेश, तृतीय भाव में बैठा हुआ सप्तमेश की सप्तम दृष्टि नवम भाव पे होगी। जैसे आप पराक्रम करना शुरू करेंगे, आपके ऊपर इष्ट कृपा होगी, आपका भाग्य जग जाएगा। आपके ऊपर इष्ट कृपा होगी, आप मेहनत करना शुरू करेंगे और आपका भाग्य प्रतीक्षारत है। आप मेहनत करना शुरू करो, दरवाज़ा खुला है, आप खटखटाओ तो। हम खटखटाते ही नहीं, तो दरवाज़ा खुला हुआ है। सप्तम भाव अगर तृतीय भाव में है, उसकी दृष्टि नवम भाव पे है, तो आप एक बार खटखटाओ तो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो ये आपके लिए मेहनत का मार्ग प्रशस्त करेगा और आपके भाग्य के दरवाजे खुलेगा। सेवेंथ हाउस का स्वामी अपने से दशम चतुर्थ भाव में, चतुर्थ से चतुर्थ और सप्तम से दशम, अच्छा है। किंतु यहाँ पे जो जातिका होती है या जीवन साथी होता है, वो अपने माँ को प्रधानता देता है। ऐसी लड़की की कुंडली में जिसका सेवंथ हाउस का लॉर्ड चतुर्थ भाव में बैठा हो, वो अधिकांशतया वर्तमान समय में अपने मायके को प्रधानता देती है, ज़्यादातर मायके में रहना चाहती है, इसीलिए दाम्पत्य जीवन में दूरी आ जाती है। उसके ससुराल वाले भी सपोर्ट करते हैं इस बात की कि ठीक है बेटी, जब भी मन हो तू आ जाया कर। तो अगर जिसकी भी कुंडली में बना हुआ है, उसको थोड़ा सा केयर करना चाहिए, ठीक है ना। केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है, जहाँ शुभता प्रदान कर रहा है, वहीं घर के वातावरण में एक पक्ष को प्रधानता देने के कारण कलह भी पैदा करेगा। सप्तम भाव का स्वामी जब भी दशम अपने से दशम बैठता है सुख भाव में, तो ऐसा जीवन साथी की इच्छा होती है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदो तो उसके नाम करो। कलह का एक ये भी कारण होता है। आप दाम्पत्य जीवन को आगे चलने दो, बढ़ने दो, हस्बैंड का क्या है, पत्नी सब कुछ है, जीवन साथी का जीवन साथी सब कुछ है, लेकिन जैसे ही डिमांड आ जाती है वर्तमान समय में, ये परेशानी का कारण बनता है। सप्तम का स्वामी अपने से एकादश पंचम भाव में, पंचम से तृतीय और सप्तम से एकादश, अच्छा योग है। ऐसे लोग प्रेम बहुत करते हैं अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, क्योंकि पंचम प्रेम का है और सप्तम से एकादश बैठे हैं, तो प्रेम में लाभ भी होता है। जब सप्तम भाव पे प्रेम विवाह लव मैरिज पे कुंडली बनेगी, तो सप्तम और पंचम का योग बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये लोग ज़्यादातर विवाह के पश्चात भी कहीं ना कहीं प्रेम कर लेते हैं, क्योंकि अपने से लाभ में प्रेम के घर में बैठा है। तो दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के प्रवेश के पश्चात भी कहीं कहीं ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं। सप्तम का स्वामी अपने से द्वादश अष्टम भाव में, अच्छा योग नहीं है। अपने से द्वादश गया,
जाते ही जीवन साथी से दूरी बनेगी। जीवन साथी जैसे आपके जीवन में प्रवेश करेगा, जिसका लग्नेश कमजोर है उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का ऑलरेडी अभाव होगा और धीरे धीरे रोग प्रवेश करना शुरू कर जाएंगे, धीरे धीरे रोग प्रवेश करना शुरू कर जाएंगे। तो यहाँ पे बैठा हुआ सप्तमेश दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ संकेत नहीं है, ना तो आपके व्यापार के लिए है। आप ऐसे लोगों के साथ व्यापार करेंगे आपका पैसा लेकर भाग जाएंगे, बोलेंगे कल देंगे परसों देंगे, गायब हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पे दाम्पत्य जीवन की शुभता प्राप्त होती है वहाँ वहाँ आपके व्यापार को भी शुभता प्राप्त होगी। जहाँ जहाँ दाम्पत्य जीवन को प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहाँ वहाँ आपको व्यापार को भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सप्तम भाव पे एक योग बनता है मांगलिक योग, एक योग बनता है वैधव्य योग, एक योग बनता है तलाक योग। ये दाम्पत्य जीवन को प्रॉब्लम करने वाले तीन ही प्रमुख योग बनते हैं, वैधव्य योग, ठीक है ना, तलाक योग। यहाँ पे जो विच्छेदी ग्रह हैं वो तलाक कराते हैं, 6-8-12 के स्वामी तलाक कराएंगे। यहाँ पे पापक ग्रह सूर्य मंगल शनि राहु ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन कोई भी सप्तमेश अगर अपने ही घर में है, चाहे वो शनि हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे मंगल हो, तो दाम्पत्य जीवन में तनाव जरूर दे सकते हैं लेकिन विच्छेद नहीं कराएंगे। तो चलिए इस पे चर्चा करेंगे, जब मांगलिक योग पे तो हो गई है चर्चा, अब तलाक योग पे चर्चा करेंगे, तो इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे बनाते हैं और इसको हम कैसे देख सकते हैं। तब तक आपके लिए मंगल में शुभकामना, ज्योतिष सीखते रहिए। ज्योतिष एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ज्योतिष संपूर्ण संसार के लिए है। भारतवर्ष में कम से कम 1 करोड़ ज्योतिषी होने चाहिए, 135 करोड़ आबादी है, 1 करोड़ ज्योतिषियों की आवश्यकता है हमारा की। तो आप सब लोग जो हमारे वीडियो देख रहे हैं ज्योतिष सीखते रहिए, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। आपके लिए मंगलमय शुभकामनाएं।